तो गाइस स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि कालीलिनक्स को जब भी आप विंडोज़ में डुअल बूट में इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी सारे एरर्स या फिर कभी कभी तो होता है कि आपका कालीलिनक्स डुअल बूट में डिलीट ही हो जाता है, या फिर कभी आप विंडोज़ को अपडेट करते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कालीलिनक्स को विंडोज़ में डुअल बूट इंस्टॉल करें, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप पार्टीशन से कुछ भी छेड़खानी ना करें। जब भी आप विंडोज़ का पार्टीशन होता है आप उससे कोई भी छेड़खानी ना करें, नहीं तो आपके कालीलिनक्स में इनिट्रा FM ऐसा ही कुछ एरर आ सकता है। तो आप पार्टीशन से कुछ भी छेड़खानी ना करें। और यहाँ पे सेकंड चीज़ आती है कि आप कालीलिनक्स के ग्रब बूट लोडर से कभी भी छेड़खानी ना करें। जब भी आपने कभी देखा होगा कि आप उसके ऑर्डर को ऊपर नीचे कर देते हैं, कि आप कालीलिनक्स को जो कि दूसरे नंबर पे कर देते हैं और विंडोज़ को पहले नंबर पे कर देते हैं, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, नहीं तो आपके रेस्क्यू मोड वाली एरर आ सकती है और आपको इसे फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो आप कभी भी कालीलिनक्स के ग्रब बूट लोडर से भी छेड़खानी ना करें। और गाइस यहाँ पे तीसरी चीज़ आती है कि आपको विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है अगर कभी भी आपने कालीलिनक्स को डुअल बूट में इंस्टॉल कर रखा है। तो होता क्या है, ये कुछ इस तरह से होता है कि जब भी आप विंडोज़ को अपडेट करेंगे तो वो काफ़ी सारे स्कैन करेगा अपने सिस्टम में और जितने भी वो डुअल बूट में होगा उन सबको डिलीट कर देगा बजाय आपसे पूछे। तो आपको कभी भी विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है। तो गाइस अब आप कहेंगे कि यार विंडोज़ तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है, तो उसे डिसेबल करने के लिए आपको आई बटन पे यहाँ पे एक वीडियो मिल रही होगी, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख के विंडोज़ अपडेट को डिसेबल भी कर सकते हो। तो ये कुछ तीन टिप्स थे जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं बताऊँ आपको कि मेरा 5 बार जो है कालीलिनक्स डिलीट हो चुका है। एक बारी तो मेरा डिलीट हो गया था और 4 बारी मेरे बहुत ही ज़्यादा एरर आए थे जिससे कि मेरे को उसे रीइंस्टॉल ही करना पड़ा था। तो ये थे कुछ टिप्स जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं कालीलिनक्स को विंडोज़ के साथ डुअल बूट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लग सके। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।